कुछ प्रतिगीत सुनाना चाहता हूँ। ये उस समय की बात है, लोकसभा चुनाव से पहले जब कांग्रेस का बैठक हो रहा था, तो राहुल गांधी ममता दीदी को फोन करती है। तो राहुल गांधी, हेलो दीदी। ममता बोलती है, आमी बोलछी। राहुल गांधी, तो राहुल गांधी कहते हैं, शायद गठबंधन का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तुम्हें बैठक में बुलाया है। तो ममता कहती है, क्या फिर से दोहराना? राहुल, गठबंधन दीदी, गठबंधन। ममता, बंगाल की सीट लेने के लिए जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरे बैठक में बुलाया है। उसके बाद किसी तरह ममता दीदी कांग्रेस कार्यालय पहुंचती है, तो दरबान जैसे ममता दीदी को देखती है और कहती है, किसी दिन बनेगी तू भारत का पीएम। तब ममता दीदी फिर पूछती, बोलती है, जरा फिर से कहना। तब तक दूसरा दरबान बोल पड़ता है, जय श्री राम। तो ममता दीदी गुस्सा के बोलती है, तू क्या छाड़बो ना है, बैठक खत्म होते रहे तो भाई तुखे देखो। उसके बाद किसी तरह गुस्सा में काबू करते हुए दीदी अंदर पहुंचती है, तो राहुल गांधी उसको देख के बोलती है, दीदी का साड़ी पुराना लगता है, दीदी का तो दिल भी काला लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं तेवर, अब तो टीएमसी वाला भी अपना लगता है, दीदी का साड़ी पुराना लगता है, दीदी का भी, दीदी का तो दिल भी काला लगता है, लोकसभा चुनाव के लिए बना ये गठबंधन, नमो से डर कर थामा है हमने टीएमसी का दामन। तब तो ममता जी गुस्से से बोलती है, तू चुप बसे थको। तब तक राहुल गांधी डर के चुपचाप बैठ जाते हैं। तब तक सोनिया दीदी बोलती है, आइए दीदी बैठिए। तब ममता उसको इतना इज्जत देती है सोनिया दीदी, तो वो देख के बोलती है, इतनी इज्जत करो ना मैं बहक न जाऊं कहीं, वापस बंगाल जाना मैं भूल न जाऊं कहीं, कौन है पीएम का चेहरा तेरा ये सोच के मैं हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा मैं हूँ पीएम का चेहरा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, मैं किसी से कहूंगा नहीं। तब तक सोनिया दीदी, सोनिया जी उसको बोलती है, तुझको ही पीएम बनाऊंगा, तुझको ही पीएम बनाऊंगा, वरना नमो को हरा नहीं पाऊंगा, तुझको ही पीएम बनाऊंगा, वरना नमो को हरा नहीं पाऊंगा, कल मैं दिल्ली जाऊंगा संग तेरे में ना आऊंगा, सब सबसे मैं यह कह आऊंगा, पप्पू को न पीएम बनाऊंगा, पप्पू को न पीएम बनाऊंगा, चाहे चुनाव हार जाऊंगा। फिर किसी तरह आपसी सहमति से गठबंधन हो गया। उसके बाद तब अखिलेश यादव जी राहुल गांधी के पास आए, तो उससे पहले राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले झारखंड का दौरा करने आए थे, तो अखिलेश यादव उनको पूछते हैं कि झारखंड का दौरा कैसा रहा। तब राहुल गांधी कहते हैं, जब मैं गया झारखंड उस रात रे, हेमंत ने किया सीट बंटवारे से शुरुआत रे, जब मैं गया झारखंड उस रात रे, हेमंत ने किया सीट बंटवारे से शुरुआत रे, पहले गुरुजी से मिलाया फिर चुनाव की तैयारी बताया, फिर पहले गुरुजी से मिलाया फिर चुनाव की तैयारी बताया और पूरा दुमका घुमा दिया। तब तक अखिलेश यादव का फोन आ जाता है और वो कहीं उठ के चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग सीधे बिहार चलते हैं। बिहार में क्या हो रहा था, जो तेजस्वी यादव है लालू जी से मिलने के लिए जेल पहुंचे, तब बहुत दुखी होकर लालू जी का, तो तेजस्वी यादव लालू जी मतलब लालू यादव तेजस्वी जी से पूछते हैं कि हमारा पुराना मित्र ने गठबंधन के लिए मान लिया कि नहीं मान लिया। तो तेजस्वी यादव कहते हैं, नहीं नहीं माने वो। तब लालू यादव कहते हैं, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे गठबंधन अधूरा है, आके देख मेरी हालत को, बिन तेरे लालू अधूरा है, ए मेरे दोस्त।
लौट के आजा, बिन तेरे गठबंधन अधूरा है, बन के सबका काल हम साया, तू मेरे साथ में आया था, अपनों से ज्यादा भरोसा किया तुम पे, लोग कहते हैं नीतीश पर आया था, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे गठबंधन अधूरा है। इतना कहते हैं लालू यादव रुक गए, तब तेजस्वी यादव उदास होके कहते हैं, दुश्मन न करे नीतीश ने वो काम किया है, पापा को जेल भेज के उसने हमें बदनाम किया है, चुनाव में हमको छोड़ के बीजेपी के साथ आ गए, धोखेबाज का हमने जिन्हें नाम दिया है, दुश्मन करे नीतीश ने वो काम किया है, पापा को जेल भेज के उसने हमें बदनाम किया है। थैंक यू।